पूरी दुनिया में मशहूर है भारत की ये 5 स्टैचू जिनकी भव्यता को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। वर्ल्ड फेमस स्टैचू इन इंडिया। भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध स्टैचू हैं जो देश भर में फेमस हैं और इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आइए यहाँ हम आपको बताते हैं भारत के कुछ शानदार स्टैचू के बारे में। द मोस्ट फेमस स्टैचू इन द वर्ल्ड। इंडिया अपनी सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता व अनेकता में एकता जैसी विशेषताओं के लिए ही विश्व में जाना जाता है। भारत में कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो उसे दूसरे देशों से स्पेशल बनाती हैं। यहाँ कई अन्य देशों से लोग घूमने भी आते हैं। इंडिया में कई ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं। सबसे खास बात तो भारत की यह है कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी यहीं स्थित है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार भाई वल्लभ पटेल का यह स्टैचू विश्व को आकर्षित करने वाला है। भारत में सिर्फ यही स्टैचू नहीं बल्कि ऐसे शानदार स्टैचू जिन्हें देखने के लिए लोग बेहद बेताब रहते हैं। आइए यहाँ हम आपको भारत के उन स्टैचू के बारे में बताते हैं जो दुनिया भर में फेमस है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस लिस्ट के पहले नंबर पर आती है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत के फेमस स्टैचू में से एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है। यह स्टैचू भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया गया है। यह स्टैचू विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है। इसके निर्माण से पहले चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती थी। भारत के इस स्टैचू को लगभग 33 महीनों में बनाकर तैयार किया गया था। आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई 522 फीट यानी 182 मीटर है और इसका कुल वजन 1700 टन है। स्टैचू सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर दूर साधु बेट नामक स्थान पर स्थित है। इसी लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है तिरुवल्लुवर स्टैचू। भारत में स्थित तिरुवल्लुवर स्टैचू तमिल कवि और फिलोसफियर वल्लुवर की 141 मीटर ऊंची अर्थात 133 फीट ऊंची मूर्ति है, जिन्होंने तमिल क्लासिक संगम जिसे तिरुवल्लुवर कहा जाता है ने लिखा था। यह स्टैचू तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक छोटी सी द्वीप पर स्थित है। यहाँ से आप बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम भी देख सकते हैं। जिस भारतीय मूर्तिकार ने इरावन मंदिर बनाया था उसी ने इसे भी बनाकर तैयार किया था। इसी लिस्ट के तीसरे नंबर पर आता है तथागत सिक्किम। भगवान बुद्ध की 130 फीट ऊंची मूर्ति दक्षिण सिक्किम रंगवाना के पास बुद्ध पार्क में स्थित है। यह भारत में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति का निर्माण 2006 से 2013 तक चला था, यानी इसे बनाने में 6 साल पूरे लगे थे। इस मूर्ति का निर्माण सिक्किम सरकार और उसके लोगों के युक्त प्रयासों के माध्यम से हुआ था। यह स्टैचू तीर्थयात्री और पर्यटन के लिए काफी शानदार है। इसी लिस्ट के चौथे नंबर पर आता है हनुमान मूर्ति हिमाचल प्रदेश। भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास जाखू पहाड़ी पर स्थित है। इसे 2010 में बनाया गया था। हनुमान जी की इस मूर्ति को निर्माण में लगभग 1.9 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इसी लिस्ट के पांचवे नंबर पर आता है बसुआ स्टैचू कर्नाटक। कर्नाटक के बीदर जिले में स्थित बसुआ स्टैचू है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर यानी 108 फीट के करीब है। यह प्रतिमा विश्व में भगवान बसुआ की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में है। इस मूर्ति को अक्टूबर 2012 में बनाया गया था। तो गाइस इन मूर्तियों में सबसे अच्छी मूर्ति आपको कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में हमें उसका नाम जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।